हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लौकी और चने की दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। और वीडियो में तक बने रहिए, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं लौकी और चने की दाल बनाना। यहाँ पे हमने चने की दाल लिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लिए हैं और कुकर में डाल देंगे चने की दाल को। और हमने यहाँ पर लिए हैं लौकी को कट करके, और इसको भी अच्छी तरह से वॉश किए हैं। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च कटा हुआ और टमाटर कटा हुआ, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर। और यहाँ पर हमने लिए है खटाई और मसाला भी साथ में। अब इसमें डाल लेंगे पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी पानी छोड़ेगी। तो गैस ऑन कर दिए, तो 6 से 7 सीटी तक लगा लेंगे। और 5 सीटी हो गया है तो चने की दाल पक गया है। तो इसको हम चलाएंगे ताकि लौकी और चने की दाल मिक्स हो जाए, और इसको एक बर्तन में सर्व कर लेंगे। तो लौकी और चने की दाल को तड़का देने के लिए यहाँ पर हम सरसों के आल गरम कर लेंगे एक बर्तन में। अब इसमें डालेंगे जीरा, तो जीरा ब्राउन हो गया है तो इसमें डालेंगे तेज पत्ता। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, खीरे को डाल देंगे। और गैस को ऑफ कर देंगे। अब दाल में तड़का लगा लेंगे। तो कटी हुई धनिया डालेंगे। तो लौकी और चने की दाल बनके तैयार हो गया है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको रोटी या तो फिर चावल के साथ खा सकते हैं, और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है। तो चने और लौकी के दाल का रेसिपी आप सबको कैसा लगा? ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।